अस्सलामुअलैकुम। आज है हमारा पाकिस्तान में लास्ट डे और लास्ट डे नाश्ता माशाल्लाह ये भी दरी कर रहे हैं, मैं भी दरी कर रहा हूँ। नाश्ते में भाई काफी सारी चीजें हैं, मतलब जैसे केक हो गया, केक रस हो गया, और ये हो गई खारे बिस्किट, इसको कहते हैं बाखरकानी भी कह सकते हो, लेकिन इसमें चीनी होती। तो ये क्या खा रहे हैं महाराजा? तुम खा रहे हो वही मैं खा रहा हूं। हाँ, जो बाखरकानी टाइप है उस तरह। मॉम तैयारी कैसी है? एक दफा देख रही हूं बस। दोबारा देख रही हो खोल के? हाँ इत्यादन देख लो, कुछ याद कर लो, तुम्हारा कुछ रह गया बाहर से सामान तो अभी जाके ले आओ। नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह सब, अगर नहीं होगा तो वहीं से ले लेंगे। ओए मॉम हैंगर से नहीं मारना इसको। ओए बहुत सारे काम है भाई, बहुत सारे। आज जो व्लॉग देख रहे हैं आप ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का, लेकिन कल जो आप व्लॉग देखेंगे वो इंशाल्लाह सऊदीया का होगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और इस व्लॉग को अभी से लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वरना ठोकवाना पड़ेगा आपसे। ठोको सब्सक्राइब, ताकि आपको जो आगे आने वाले व्लॉग हैं वो सारे देखने को मिले, और बेल आइकन भी दबा देना। सो वेलकम बैक टू दी न्यू व्लॉग। फटाफट से करते हैं नाश्ता, उसके बाद काम है। ये देखें यहाँ पर कोई बैठा हुआ ही नहीं था, मेरी बाइक स्लिप, उनकी बाइक भी स्लिप हो गई थी। क्या नहीं ना गन खींच दी थी उसने, मैंने यूं करके दे दिया। पासपोर्ट तो नहीं देते, बेटा मोबाइल दे देते। मैं आंटी कैसे बोलूं उनको, गन होती है उनके पास। बोलो ये ले लो पासपोर्ट दे दो। किसके पासपोर्ट है जरा देखो यार, किसके लेके गया है? तो पड़े हुए सबके नहीं गए शायद, पापा ने रखे होंगे। वेट करो मैं देखता हूँ। नहीं यार नहीं, मतलब मेरे मुन्ना रोनी और है, सबके हैं, सिर्फ अपने लेके गया था। मेरे मुन्ना रोनी क्या हुआ मेरे मुन्ने को? प्लीज आंटी सबके तो है, सिर्फ वो भाई के चले गया। अरे रोना नहीं, रोना नहीं प्लीज। सीन क्या हुआ है ये देखें, ये गाड़ी खड़ी भैया की, भैया वहाँ से आ रहा था, ठीक है। भैया गया हुआ था 2 बजे से काम से, कोई काम था भैया को, बाहर गया था अपना पासपोर्ट लेकर। चोर वहाँ से उसके पीछे से आ रहे, पीछे से आ रहे, उसने घर पे आके गाड़ी रोकी कि यार कुछ चौकीदार नीचे होंगे, ठीक है। चौकीदार नीचे थे, एक इधर बैठा था, एक उधर बैठा था, एक उधर बैठा, मतलब 4-5 चौकीदार नीचे होते हैं। उनकी बाइक भी स्लिप हुई, लेकिन उनके पास गन थी, ठीक है। अब वो गन पॉइंट पे भैया को रोक कर लोड कर दी, और भैया से जो भैया का पैसे होंगे वो भी सारे चले गए, और भैया का पासपोर्ट भी और NIC भी। बिल्कुल भैया ऊपर भागते हुए आया, मैं पापा एक साथ बैठे हम लोग बातें कर रहे थे ना, मतलब उम्र की के जा रहे 12 बजे और ये वो, मेरे कसम से रोंगटे खड़े हो रहे, फरिया रो रही है, और मम्मा का भी मतलब अजीब सा हो गया, भाभी भी रो रही है। सिचुएशन बहुत 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 सख्त है, और इस वक्त अपडेट देना भी आपको लाजमी है कि आपको पता हो कि यार कि कितना मेहनत से मैं 2-3 दिन से आपको बता रहा था कि हम लोग जाएंगे 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 जाएंगे, और एंड टाइम पे ये पापा और भैया वापसी नीचे गए। मैंने मना किया नीचे नहीं जाओ, जो हो गया हो गया, मैंने कंप्लेंट कर दी है पुलिस थाने में, वरना हमारे लिए बहुत बड़ा इशू हो सकता है। हमारी आज फ्लाइट थी रात के 12 बजे। अल्लाह करम करे यार, अब क्या करूँ यार। तुम 3 बजे के गए वो 2 बजे के, तुम इतनी देर में क्यों आयो? कहाँ थे? तो बैठा हुआ था ना, मैं एक जगह बैठा हुआ था, मैं सब कुछ करके हुआ क्या? हुआ क्या? अभी लड़कों से पूछा, नीचे लड़के कोई बिरयानी खा रहा था कोई कुछ, तो बोल रहे हैं कि वो 2 बंदे वहाँ पर पहले से पीछे गली पे खड़े हुए थे। अच्छा हाँ, तुम्हारा वेट कर रहे थे? मेरा थोड़ी वेट कर रहा था, उनको थोड़ी पता। अच्छा उनको नहीं पता था? नहीं ना, अगर लेना होता तो पहले पीछे लग जाते। ये क्या आके ये देखो, मैं जैसी दरवाजा खोला ना मैंने गाड़ी का, तो उनकी बाइक स्लिप हो गई। पकड़ती बातें यहाँ कोई था नहीं, तुम्हें पकड़ने के चक्कर में? हाँ बाइक गिर गए थे बाइक से, मतलब तुमसे पैसे लेके चले गए और तुमसे पासपोर्ट ले गए? कुछ भी नहीं कर रहा, पापा ने मुझे बोला हुआ था कोई भी ऐसा मसला हो आप सामान दे दो। सही, मैंने चुपचाप बगैर बोले जो सब मेरे हाथ में था सब। तुमने पासपोर्ट मांगा उससे? तुमने ट्राई नहीं मांगा ना, दिल नहीं किया होगा तुम्हारा कितना? नहीं सब ना, दे सब दो। कुछ उसमें था, वो रुकते थोड़ी यार। अरे पासपोर्ट ढूंढने में तुम पासपोर्ट निकालते डायरेक्ट, तुम पासपोर्ट अलग रखते ना? नहीं ना, मुझे क्या पता था यार। वो देखो ये बाइक का निशान है, बाइक यहाँ स्लिप हुई है। मैं समझा था कि सबके पासपोर्ट ले गए, लेकिन हुआ ये कि भैया अपना पासपोर्ट लेके गया था, और ये बता रहे कि मैं गया था करेंसी चेंज करवाने, मतलब ये अपने पैसों की थोड़ी बहुत कराने गया होगा भाई, 1 लाख ये 50,000 रुपये की जो ये खर्च कर सके। तो क्या कर सकते हैं यार, अल्लाह को जो मंजूर होता है कसम से। आप लोग जाएं
हाजिर इंशाल्लाह होगी, दुआ करना अल्लाह से। हम लोग जाएंगे, तुमने दुआ करनी घर बैठ के, तो अल्लाह तुम्हें डायरेक्ट बुला लेगा, एक दिन में दूसरे दिन बुला लेगा। ईमान तो ये हमारा है, हमारा ईमान ये हाजिर नहीं थी, मतलब छीनो तो कल परसों छिन जाते, परसों छिन जाते, सबके छिन सकते थे, बिल्कुल ऐसी है। कल हाजिर नहीं थी, दो तीन दिन बाद हाजिर। हाँ, इसका नाम दो तीन दिन बाद का होगा, क्या पता हो सकता है बाद में भी हो सकता है इसकी, इसकी और सिंपल अच्छा हो, अल्लाह ने और अच्छा लिखा हो, और अच्छा लिखा हो, इसकी बेगम के साथ अकेले हो हाजिर, बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। तो हम लोग अब थोड़ा चिल हो गए, ये इंसिडेंट के अब दो घंटे गुजर चुके हैं, मतलब सारी भाग दौड़े कर ली हैं मैंने, पापा कहने पे स्टोरीज भी लगा दी थी इंस्टाग्राम पे, वो भी सब डिलीट कर दी है, क्योंकि अब जब वो पैनिक सिचुएशन होती ना उसमें कुछ समझ नहीं आता, ये भले बड़ा हो बंदा या छोटा हो, तो उस टाइम पे मैंने स्टोरीज भी लगा दी थी और उस टाइम पे मैंने सबको हड़बड़ बता भी दिया था, लेकिन अभी थोड़ा हम लोग सुकून से बैठे, सारे सारे सामने बैठे, सब ने माशाल्लाह कुरान शरीफ पढ़ा है, नमाज़ें पढ़ी हैं। मेरा मुन्ना अभी तक रो रहा है, बस दो घंटे गुजर गए इसको टेंशन हो रही है। मेरा मुन्ना बस नहीं रो, चलो मेरा मुन्ना तुम दो घंटे से रो रहे हो, पागल हो गए क्या? बस टैब वैब ले लो, मॉम ने बस टेंशन नहीं ली, मॉम सबको चुप करा रही है। हाँ, भाभी को, भाभी को रोना आ जाएगा, भाभी से अगर पूछ लिया अभी तो। अच्छा कोई नहीं, चार दिन बाद भाभी, चार दिन भाभी टेंशन नहीं, अल्लाह ताला देखो आपकी हाजिरी अभी अकेले की थी, भैया की आपको सरप्राइज देने के लिए बाद में रखी थी, देखा एक भाभी के लिए अल्लाह ताला सरप्राइज क्रिएट किया था कि भैया बाद में, तो यार पूरे फैमिली के साथ तो जा रही है ना, हाँ फैमिली का तो जा रही है ना, यही तो अच्छा ये हुआ क्या, हम सबके पासपोर्ट ये रहे, सिर्फ भैया का पासपोर्ट भैया के पास था, जब भैया जब भागते हुए आए थे ना तो मैं समझा कि सबके पासपोर्ट गए, सबके एनआईसी गए, तो मैं शॉक में आ गया था, लेकिन फिर जब पापा के अलमारी में देखा तो हम सबके पासपोर्ट हमारे पास ही थे, सिर्फ भैया का भैया ले गया था, और भैया का एनआईसी भी चले गया और मोबाइल भी और पैसे भी। लेकिन अब इस मुद्दे पे आए हम कि यार उसकी हाजिरी नहीं लिखी थी और ऐसा इंसिडेंट होना था और बस हो गया, अल्लाह ने जान बचाई कराची में। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बंदा अपने घर के नीचे सेफ नहीं है, इसीलिए तो मना करते हैं हम कि भाई नहीं आओ, फैन की शक्ल में कोई भी आ जाए। हाँ। किस किस को हम लोग मना कर रहे हैं, हम जो इतने दिनों से मना कर रहे हैं फैन को आने को, इसीलिए मना कर रहे हैं। वो नीचे आकर कोई भी खड़ा हो, कोई भी खड़ा हो उसको दिखाकर, ये भी दिखाकर, अब जाहिर है हम नीचे वाले लोग तो ये समझ होंगे यार इनके फैन नहीं आए हुए, कहीं उनसे भी कुछ ले जाए, कहीं उनसे भी कुछ ले जाए, बोले तुम्हारे सब्सक्राइबर ले गए, उनको जो जितने भी लोग गली के देख रहे हो वो ये समझ रहे हो कि फैंस हैं भाई, उनको ये थोड़ी पता है डकैत हैं। बिल्कुल ऐसी नहीं नहीं, गली में आप किसी भी अननोन को ना खड़ा करें, ना अपने घर के बाहर किसी अननोन को खड़ा करें, तो इस चीज़ पे हम लोग बहुत स्ट्रिक्ट रहेंगे नेक्स्ट टाइम से, कि भाई घर के बाहर कोई खड़ा ना हो और गली के कोने पे ज़्यादा लोग खड़े ना हो, जिनको हम जानते हैं वही रहें, ताकि कल को आज जो हमारे साथ होगा कल को किसी और के साथ ना हो। बिल्कुल एंड टाइम पे सिर्फ और सिर्फ आप यकीन करें 5 घंटे रह गए, जाने में 5 घंटे रह गए, और मतलब दोबारा से खुद जाकर जब गाने का नाम लिया कि हम लोग जा रहे हैं तो 5 घंटे रह गए, तो खुशी आ गई है। और भैया का क्लियर हो गया, भैया इंशाल्लाह बीच में हमें ज्वाइन करेगा, लाजमी ज्वाइन करेगा, टेंशन है ही नहीं तो ज्वाइन करेगा। तो आज ये है कि भैया अब नहीं जा रहा बीच में, लेकिन ज्वाइन लाजमी करेगा। बाबी ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, जो होना था बस हो गया है, बस हो गया, अल्लाह मालिक है यार। बस बाकी मैं बात कर रहा था कि सेफ कोई भी नहीं है, मतलब यही बात है कि यार जो बंदा अपने घर के नीचे सेफ ना हो वो बाहर और कैसे सेफ हो सकता है किसी इलाके में। तो मैं यही बोलूँगा, मतलब सब जो कराची में जितने भी पार्टीज़ हैं, जो जितने भी इदारे हैं, उनसे मैं यही बोलूँगा कि प्लीज़ यार स्ट्रिक्टनेस दिखा दो काफ़ी। मैं तो सिर्फ अभी खड्डों पे ही रो रहा था कराची के रोडों पे, पानियों पे, लेकिन अब मैं चोरी पे भी रहूँगा क्या? मैं चोरी पे कोई एक्शन नहीं लेता, क्योंकि यार मुझे पता था किसी मेरे साथ नहीं हुई। अब होता यही है ना कि जिसके साथ नहीं होती ना वो नहीं बोलता, ताकि उसके साथ ना हो। बिल्कुल राइट, आप सही नहीं बोलते, जिसके साथ नहीं हो वो ना बोले, लेकिन जिसके साथ हो रही है ना वो लाजमी खुल के बोले कि यार जो बंदा अपने घर के नीचे सेफ नहीं है वो कहीं और कैसे सेफ हो सकता है। अभी हम लोग कहाँ जाएं, घर छोड़ के जाएं कि यार ये तो घर के नीचे हो गया, हम तो घर के नीचे सेफ नहीं है, क्या कर सकते हैं यार। इसमें जितनी भी पार्टीज हैं और जितने भी इदारे हैं, प्लीज़ आप इस चीज़ को स्ट्रिक्टली फॉलो कराएं सबसे, एक एक बंदे से कि यार भाई ये स्नैचिंग वगैरह कम करो, किसी का इसमें नुकसान हो जाता है। और शुक्र करें ये कि मुझे भैया ने ये बात बताई कि यार वो लोग बाइक से लेकर आए और बाइक से गिर गए, उन्होंने डायरेक्ट गन लोड कर दी भैया पे कि भाई जल्दी दे, जैसे ही लिया और वैसे ही भागे, तो अल्लाह ने बड़े नुकसान से बचाया है। ये हम उनका भी शुक्र अदा करना चाहते हैं जो लेकर गए। हाँ।
बस बस उनका भी शुक्रिया भाई जो लूट के गए, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और नेक्स्ट टाइम मेरा लूटना है तो मैं आपको, मुझसे पैसे मांग लेना मैं दे दूंगा, लेकिन ये लूटने वाली, क्योंकि देखो कल को हमारे साथ हुआ, कल को वो चोरों के साथ भी हो सकता है ना यार, क्योंकि देखो चोर को दूसरे चोर पता है, ये चोर है वो तो लूट के ले जाएगा। लेकिन बस अल्लाह हर किसी को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, और दुआ यही है कि सब खुश रहें और आबाद रहें, बस जो होना था वो हो गया। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट टाइम से आप लोग भी अलर्ट रहें, और प्लीज़ अपने मोहल्ले का, अपने घर का, अपनी बिल्डिंग का, सबका, एक एक बच्चे का ख्याल रखें, यहाँ पर कोई सेफ नहीं है। थैंक यू।